नमस्कार दोस्तों, सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संधि चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो हर स्टेट वाइज एग्जामिनेशन पेपर में पूछे जाने वाला चैप्टर है, जैसे आपका यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, बीपीएससी, केबीएस, डीएसएस, पीपीआरटी आपका हो गया, आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया। हर पेपर में पूछे जाने वाला चैप्टर, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, ये हर स्टेट वाइज में होता है पेपर। सी टेट भी होता है, यूपी टेट भी होता है, एमपी टेट भी होता है। तो हर चैप्टर, मतलब हर स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम होता है उसमें चैप्टर पूछी जाती है हिंदी का, संधि विच्छेद या संधि किसे कहते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि कितने भेद होते हैं, हमने उसको फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया। आज के सेकेंड वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद होते हैं या नियम होते हैं, आज उसको हम कवर करेंगे। तो इसके बाद आपकी थर्ड जो वीडियो आएगी उसमें हम संधि से प्रैक्टिस करा देंगे टॉप 50 क्वेश्चन, जो पेपर में जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछने जाने वाले की संभावना पूरी है, तो उसको हम कवर करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन से। प्रैक्टिस करेंगे कि कितना हमें संधि समझ में आया है, उसके बाद से हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमें संधि समझ में आ गया है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम शुरू करते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और उसके कितने नियम होते हैं या भेद होते हैं, उसे भी आज देखते हैं। तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। या संधि का पहला वर्ण हो तो व्यंजन संधि हो जाएगा, मतलब संधि का पहला वर्ण अगर हमें व्यंजन दिख गई, व्यंजन कौन सी होती है, व्यंजन कितनी होती है, 33 व्यंजन होती है, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होती है, अंत चार, उसमें चार टोटल हो जाएगी आपकी 33। उस 33 वर्ण में कोई भी व्यंजन संधि हमें दिख गई तो क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको समझते हैं कि व्यंजन संधि के नियम कितने होते हैं। लगभग नियम 7 होती है, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगी, लगभग कितने नियम होते हैं, 7। कौन कौन से नियम हैं उसे हम कवर करते हैं। फर्स्ट आपका अनुस्वार, सेकंड हो जाएगा आपका त का परिवर्तन च ज ल न में करना, सेकंड है क का परिवर्तन ग में करना या च का परिवर्तन छ में जोड़ना, पांचवा है स का परिवर्तन षटकोण में बदलना, म का परिवर्तन म में बदलना, सातवा है त का परिवर्तन स में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो हम नियम समझते हैं कौन कौन से नियम हैं और उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे और उसको पेपर में देखते कैसे ठीक कर देंगे, उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह का सिंबल क्या होता है, किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी होता है, वो क्या होता है आपका अनुस्वार होता है। अनुस्वार के बाद अंतस्थ वर्ण या र ल व, अंतस्थ वर्ण या उष्ण वर्ण स स स ह आ जाए तो वह कोई वर्ण आए तो बिंदी हटाओ म लगाओ, बिंदी हटाओ म लगाओ। एग्जाम्पल है, देखिए संयोग, संयोग स के ऊपर क्या है बिंदी, बिंदी हटा क्या लगा दिया हम म, मतलब सम प्लस योग। और एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको कि एग्जाम्पल में कैसे कैसे हम समझ पाएंगे कि क्या है कैसे है, तो हम और देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संयम, सम संयम, तो क्या हो जाएगा आपका सम प्लस शय, संशय, क्या है आपका संशय, सम प्लस शय। तो बिंदी का प्रयोग किस में हो गया, म में हो गया, बिंदी हटा क्या लगा दिया हमने म। अब क्या हो जाएगा संरक्षण, संरक्षण, स के ऊपर क्या होगा बिंदी, तो क्या हो जाएगा आपका सम प्लस रक्षण, बिंदी का प्रयोग किस में कर दिया हमने म में, बिंदी हटाओ म लगाओ, क्या होगा आपका नियम अनुस्वार, अनुस्वार को किस में बदल दिया हमने म को, म में बदल दिया। ठीक, अब आपका नेक्स्ट है च ज ल न का परिवर्तन किस में हो जाएगा त में, यदि त वर्ण के बाद च ज ल न वर्ण आए तो त का परिवर्तन च ज ल न में हो जाता है कैसे, इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सचित्र, च का परिवर्तन किस में हो गया त में, और देखिए एग्जाम्पल उच्चारण, उच्चारण का परिवर्तन किस में करेंगे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, मतलब च का परिवर्तन किस में हो गया त में हो गया। उल्लास, क्या होगा आपका उल्लास,
उल्लास का प्रत्यय किसमें करेंगे? उत प्लस लास, मतलब ल का प्रत्यय किसमें हो गया आपका? उत में हो गया। उल्लेख, उत प्लस लेख। सज्जन, सत प्लस जन। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, मतलब हमें किसी भी वर्ण में च, ज, ल, न दिख जाए, या फिर आपका आधा च, आधा ज, आधा ल, आधा न दिख जाए तो हमें किस में परिवर्तन कर देंगे? त वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सेकेंड नियम। थर्ड नियम देखते हैं हम, कौन सा है? ग का क में बदलना। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, कौन कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए परस्पर परिवर्तित हो जाता है। कैसे हम देखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये कितने हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच। क्या बोला? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा आपका? क में। अंग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? क में। मतलब कोई भी वर्ण पहला, तीसरा, पांचवा आए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? पहला वर्ण में। तीसरा और पांचवा वर्ण दिख गया तो किस में होगा परिवर्तन? पहले वर्ण में हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हम, वागीस, क्या हो गया आपका? वागीस। ग का परिवर्तन किस में हो गया आपका? क में। वाक प्लस गीस। और भी एग्जाम्पल देखते हम, आपका हो जाएगा दिग दर्शन। ग का प्रत्यय किसमें कर देंगे हम? दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन। और भी हम एग्जांपल देखते हैं, अब्ज, अब्ज आधा ब है, ठीक है। अब का प्रत्यय किसमें कर देंगे? ब क्या है? थर्ड वर्ड है, प, फ, ब। ब का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? प में। तो क्या होगा? अप प्लस ज, अप प्लस ज। सदानन, सदानन ट, ठ, ड। ड का परिवर्तन ट में। सट प्लस आनन, सदानन। ड का परिवर्तन ट में, सदानन। दिग दर्शन। ग का परिवर्तन क में, दिग प्लस दर्शन। वाग जाल, वाग। ग का परिवर्तन क में, वाग प्लस जाल। मतलब किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, अगर प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा पांचवा शब्द आए तो उसका परस्पर परिवर्तन होता है किसमें? पहले वर्ण में, ठीक है। कैसे? ग का परिवर्तन क में, ड का परिवर्तन क में, प, फ, ब। ब का परिवर्तन ब में, प, फ, ब, भ, ड। म का परिवर्तन, मतलब आपका तीसरा पांचवा वर्ण आया तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? पहला वर्ण में, ठीक है। ये आपका थर्ड नियम है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नियम कौन सा है। च झ में जोड़ना, च को झ में जोड़ना तो क्या होगा? देखिए, यदि किसी स्वर के बाद झ वर्ण आए तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? च। किसी भी स्वर है आपका, स्वर हम पढ़ते समय स्वर महसूस किए, जैसे अनुच्छेद, अनु क्या हो गया आपका? अनु, ऊ, अनु में क्या लगा है? ऊ। तो ऊ में, ऊ अगर आ गया किसी भी स्वर के पहले, किसी भी स्वर के बाद, सॉरी, किसी भी स्वर के बाद ज, छ आए तो उसका परिवर्तन आए तो दोनों के बीच में मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में क्या हो जाएगा? आधा च आ जाता है, ठीक है। कैसे उसको हम समझते हैं, जैसे अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, ये हो गया स्वर, ये हो गया आपका व्यंजन, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? व्यंजन, आधा च। एग्जाम्पल से हम और भी समझते हैं कि कैसे होगा। अनुच्छेद हो गया आपका, अभी अनुच्छेद हो गया, नेक्स्ट हम और देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। स्व, स्वक्ष, स्व, अ, ये क्या हो गया आपका? अ। और ये क्या हो गया? छ, मतलब स्वर और छ के बीच में क्या आ गया? आधा छ, स्वक्ष। इसको हम कैसे करेंगे? स्व प्लस छ, स्व प्लस छ, मतलब ये स्व, अ और छ के बीच में क्या आ गया? छ। और भी देखते हैं,
परिच्छेद, परिच्छेद इसका कैसे होगा? परी ई, इसमें कौन सा लगा स्वर? ई, और ई छ के बीच में क्या जाएगा? बस आपको ये देखना है किसी भी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? च। तो आपका कौन सा नियम होगा? चौथा नियम होगा, मतलब च छ में जोड़ना, झ में च को जोड़ना, ठीक है। पांचवा नियम देखते हैं हम, श का षटकोण में बदलना, बदल जाना, स का षटकोण में बदल जाना, दंतव्य स, इसको दंतव्य स बोलते हैं, दंतव्य स का परिवर्तन मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है, कैसे? अभिषेक, क्या आपका? अभिषेक, इसको हम किस में बदल दिए? अभि प्लस एक, मतलब दंत मूर्धन्य स को हम दंतव्य स में बदल दिए। निषेध, नि प्लस शेद, विषम वि प्लस शम, सुषमा सु प्लस शमा, सुषुप्ति सु प्लस सुप्ति, मतलब मूर्धन्य स का परिवर्तन किस में हो गया आपका? दंतव्य स में। पांचवा नियम है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, हलंत मतलब आधा म में बदलना, मतलब यदि आधा म मतलब किसी भी वर्ण के नीचे आधा हलंत निकले तो आपका होता है आधा वर्ण, म के म वर्ण आए तो म का द्वितीय द्विगुणी हो जाता है, कैसे? सम प्लस मोहन, सम मोहन, आधा म हो गया, ये हो गया, मतलब हलंत म के म वर्ण आए तो म का द्वितीय द्विगुणी हो जाता है। सम्मान, सम्पत्ति, सम प्लस मत्ति, सम प्लस मान, सम प्लस मोहन, सम मोहन, सम्मान, सम्मति, ये आपका होगा छठा नियम। सातवां नियम क्या है? त का परिवर्तन मतलब स का परिवर्तन त में होना, यदि त के बाद ह वर्ण आए तो त का परिवर्तन च में तथा स का परिवर्तन छ में हो जाता है, कैसे? अभी एक बार और रिपीट करते हैं, यदि त के बाद ह वर्ण आए तो त का परिवर्तन च में होता है और स का परिवर्तन छ में हो जाता है, कैसे? पद्धति, पद्धति, पत प्लस हति, पद्धति, ठीक। उद्धार, उत प्लस हार, उत, त का परिवर्तन किस में हो गया? हा, हा में, त का परिवर्तन मतलब त का परिवर्तन च में हो जाता है और स का परिवर्तन छ में होता है। उद्धार, पद्धति, उदाहरण, उत प्लस हरण। अब आपको हम कवर करते हैं विसर्ग संधि के नियम कितने होते हैं, विसर्ग संधि के भेद नहीं होते, इसके भी नियम होते हैं, इसके भी लगभग 9 नियम हैं, कौन कौन से हैं उसे भी देखेंगे। इसका कोई नियम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद नहीं होते, क्या होते हैं? नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होना, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होना कैसे, देखिए। प्रातःकाल, कैसे हो जाएगा? प्रातः प्लस काल, मतलब विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होना, ये विसर्ग हो गया तो किस में होगा परिवर्तन? विसर्ग में हो गया। और एग्जांपल, अतः एवं, तो क्या हो जाएगा आपका? अतः प्लस एवं, पुनः आगमन, पुनः प्लस आगमन, मतलब विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होना क्या हो गया आपका? विसर्ग संधि, ये आपका पहला नियम है। सेकेंड है, स का विसर्ग में परिवर्तन होना, कैसे? आधा स का परिवर्तन विसर्ग कैसे होगा, देखिए। निसंदेह, आधा स का परिवर्तन कैसे करेंगे विसर्ग में, देखिए। निह प्लस संदेह, आधा स का परिवर्तन किस में हो गया? विसर्ग में। निस्तेज, निस्तेज, तो क्या होगा आपका? निह प्लस तेज, आधा स का परिवर्तन विसर्ग में हो गया। दुसाध्य, दुसाध्य, दुह प्लस साध्य, दुस्साहस, दुस्साहस, दुह प्लस साहस, ठीक। निस्तारण, निह प्लस तारण, आपका दंतव्य स का परिवर्तन किस में हो गया है आपका?
विसर्ग में हो गया है। नेक्स्ट है आपका नियम, श का परिवर्तन विसर्ग में, इस श का परिवर्तन विसर्ग में कैसे होगा देखिए, निश्चय कैसे, निह प्लस चय, श का परिवर्तन विसर्ग में निश्चल, निह प्लस छल, दुष्चरित, दुह प्लस चरित्र, निश्चल, निह प्लस चल, निश्चल, निह प्लस छल, निशंक, निह प्लस शंक। ठीक, नेक्स्ट है आपका षटकोण का विसर्ग में परिवर्तन, निष्काम, एग्जाम्पल है सब, निह प्लस काम, निष्फल, निह प्लस फल, दुष्परिणाम, दुह प्लस परिणाम, दुष्कर्म, दुह प्लस कर। ठीक, आपका नेक्स्ट है र का विसर्ग में परिवर्तन, ये इसको कौन सा र बोल देंगे हम, इसको रेफ र बोलते हैं, या आपको इसको ये भी ये रहा इसको बोलिए रेफ रा। ठीक, का इसमें किस में परिवर्तन होगा विसर्ग में, कैसे, निर्धन, तो हम कैसे करेंगे, निह प्लस धन, इसका किस में परिवर्तन हो गया विसर्ग में, और क्या है निराकर, निह प्लस आकार, आकार किसमें परिवर्तन हो गया विसर्ग में, और क्या होगा आपका निर्विवाद, निर्विवाद, तो क्या हो जाएगा आपका निह प्लस विवाद, इसका परिवर्तन किसमें हो गया विसर्ग में। ठीक, नेक्स्ट है आपका मन, मन या विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, विसर्ग का ओ में कैसे हम परिवर्तन करेंगे देखिए, मनोविज्ञान, ओ का परिवर्तन विसर्ग में कैसे करें, मनोविज्ञान का क्या हो जाएगा आपका मन प्लस, सॉरी, मन प्लस विज्ञान, ये क्या हो गया आपका ओ का परिवर्तन विसर्ग में हो गया। ठीक, और है मनोज, ओ का परिवर्तन विसर्ग में करा, मन प्लस ज, मनोरथ, मन प्लस रथ, मनोरंजन, मन प्लस रंजन, मनो अनुकूल, मन प्लस अनुकूल, मनोभिलाषा, मन प्लस अभिलाषा, मनोस्थिति, मन प्लस स्थिति, मतलब ओ का परिवर्तन विसर्ग में करना। ठीक, नेक्स्ट है विसर्ग का ओ में परिवर्तन, मतलब यश हो, यश विसर्ग का परिवर्तन ओ में कैसे हम परिवर्तन करते हैं ये भी देखते हैं, वो मन का था ये यश का है। ठीक, यशोदा, यश प्लस, यश प्लस दा, यशोदा, मतलब यश का विसर्ग संधि में कैसे हम परिवर्तन कर, ओ को यश के विसर्ग संधि में परिवर्तन करना, अब हो जाएगा यशोधरा, यशोधरा, तो यश, यश प्लस धरा, यशोधरा, यशोमती, यशोमती, यश प्लस मति, यशोदा, यगो, यशोगाथा, यशोगाथा, यश प्लस गाथा, मतलब आपका यश का प्रयोग ओ में किया, मतलब ओ का परिवर्तन यश में हो गया। नेक्स्ट है आपका तपा का परिवर्तन ओ में, या ओ का परिवर्तन तपा में कैसे करें, देखो तपोधन, तपोधन कैसे होगा, तपा प्लस धन, तपोभूमि, तपा प्लस भूमि, तपोरथ,
तप प्लस रथ, तपो गाथा, तप प्लस गाथा मतलब तप का प्रयोग ओ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधा का प्रयोग ओ में करना, कैसे करेंगे? एग्जाम्पल है आपका अधोपतन, अधोपतन इसका क्या हो जाएगा? अथ प्लस पतन। ठीक, अधोगामी, अधोगामी तो क्या होगा? अध प्लस गामी। अधोरथ, अध प्लस रथ, अधो उन्नति, अध प्लस उन्नति आपका अधा का अधा विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो गया। ठीक, आपका आज हम आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट कराया। नेक्स्ट वीडियो आपको संधि से प्रैक्टिस सेट होगी, टॉप 50 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और पूछे जा चुके हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।